नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका चैनल केमिस्ट एडवाइस में। दोस्तों, इस वीडियो में हम आपको टैबलेट सिनारेश एलपी के बारे में जानकारी देंगे। दोस्तों, सिनारेश एलपी टैबलेट की एक स्ट्रिप में 10 गोलियां आती है, जिसकी कीमत 96 रुपये रहती है। इसे सेंट्यूर फार्मास्यूटिकल्स प्राइवेट लिमिटेड कंपनी बनाती है। आइए जान लेते हैं इसमें क्या क्या मिला रहता है। दोस्तों, इसमें लिवोसिट्रिजिन, फिनाइलफेरिन और पारासीटामोल मिला रहता है। आइए दोस्तों, अब जान लेते हैं सिनारेश एलपी के बारे में विस्तार से। दोस्तों, सिनारेश एलपी टेबलेट का उपयोग सामान्य सर्दी के लक्षणों में किया जाता है। यह बहती नाक, आँखों से पानी आना, छींकने जैसी एलर्जी के लक्षणों से राहत देता है। यह छोटे रक्त वाहिकाओं को संकरा करता है, जिससे कंजेशन या स्टफनेस से राहत मिलती है। सिनारेश एलपी टेबलेट का कुछ रासायनिक दूतों की रिहाई को भी रोकता है, जो दर्द और बुखार के लिए जिम्मेदार है। यह भोजन के साथ लिया जाता है। अधिमानत प्रत्येक दिन एक निश्चित समय पर इसे लेना चाहिए। सिनारेश एलपी टैबलेट मुख्य रूप से सामान्य सर्दी के लक्षणों में लिया जाता है। आइए दोस्तों, अब जान लेते हैं सिनारेश एलपी टैबलेट के साइड इफेक्ट्स के बारे में। दोस्तों, इसको लेने से जी मचल सकता है, उल्टी आ सकती है, मुंह में सूखापन हो सकता है, दुर्बलता, सरदर्द तथा एलर्जी की प्रतिक्रियाएं दिख सकती हैं। आइए दोस्तों, अब जान लेते हैं सिनारेश एलपी टेबलेट को किस प्रकार उपयोग करना चाहिए। इस दवा को अपने चिकित्सक द्वारा बताई गई खुराक और अवधि में ही लें। इसे पूरी तरह से निगल लें, इसे चबाएं, कुचलें या तोड़ें नहीं। सिनारेश एलपी टेबलेट को भोजन के साथ या बिना भोजन के भी लिया जा सकता है, लेकिन इसे एक निश्चित समय पर लेना बेहतर होता है। आइए दोस्तों, अब जान लेते हैं सिनारेश एलपी टेबलेट किस प्रकार काम करता है। सिनारेश एलपी टेबलेट 3 दवाओं का संयोजन है, जैसे लिवोसिट्रिजिन, फिनाइलफेरिन और पारासीटामोल, जो एक सामान्य सर्दी के लक्षणों से राहत देता है। लिवोसिट्रिजिन है जो बहती नाक, पानी, आंखों में पानी आना, छींकने जैसे एलर्जी के लक्षणों से राहत प्रदान करता है। फिनाइलफेरिन एक डिकॉन्गेस्टेंट है, जो नाक में जमाव या समानता से राहत प्रदान करने वाली छोटी रक्त वाहिकाओं को सकरा करता है। पारासीटामोल एक एनाल्जेसिक, दर्द निवारक और बुखार रिड्यूसर है। यह मस्तिष्क में कुछ रासायनिक दूतों की रिहाई को दूर करता है, जो दर्द और बुखार के लिए जिम्मेदार होते हैं। आइए दोस्तों, अब जान लेते हैं इसको लेने से पहले हमें क्या प्रिकॉशन बरतने चाहिए। इसको लेकर यानी सिनारेश एलपी को लेकर शराब नहीं पीना चाहिए। अगर कोई गर्भावस्था और स्तनपान करने वाली महिलाएं हैं, तो इससे लेने से पहले डॉक्टर की सलाह लेनी चाहिए। इसको खाकर ड्राइविंग नहीं करनी चाहिए। गुर्दे और जिगर की बीमारियों से ग्रसित व्यक्ति को इसे लेने से पहले अपने डॉक्टर की सलाह जरूर लेनी चाहिए। तो दोस्तों, ये थी जानकारी टैबलेट सिनारेश प्लस के बारे में, सॉरी सिनारेश एलपी के बारे में। जाने से पहले हम आपसे रिक्वेस्ट करेंगे कि अगर आपने हमारे चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है, चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। आज की वीडियो में इतना ही। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।